नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, वैसे तो आपने देख लिया होगा, ईएसबी ने जो है वो प्री नर्सिंग टेस्ट सेलेक्शन टेस्ट की जो है वो रूल बुक जारी कर दी है और इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 24 से स्टार्ट हो चुके थे, 7 अगस्त तक जो है वो इसके फॉर्म भरे जाना है, ठीक है। अगर संशोधन की बात की जाए तो 12 अगस्त तक रहेगा। इसकी एग्जाम तिथि देखिए 28 और 29 अगस्त, यानी 2 दिन जो है वो इसका एग्जाम चलना है, ओके। और यहाँ पर आप फीस देखोगे 200-400, मतलब जो कैटेगरी है वाइज है उनकी 200 है, बाकी 400 है। अब यहाँ पर मेरा मोटिव क्या है इसमें, देखिए बाकी के अगर एग्जाम की बात की जाए, जिन एग्जामों को अगस्त में होना चाहिए था उसका अभी तक कहीं भी कुछ भी नहीं पता पड़ा, जैसे कि यहाँ पर समूह 3, उपयंत्री एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु परीक्षा, ठीक है, भर्ती परीक्षा, तो जिसका एग्जाम जो है वो अगस्त में होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसका कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं हुआ। माध्यमिक शिक्षक हो गया, यानी ये सभी के सभी जितने भी आप भर्तियां देख रहे हो, ये इसमें जो है वो ये वाली 2 को छोड़कर बाकी सभी भर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो अगस्त में जो लोग पहली ही परीक्षा नहीं हुई है और कोई भी अगर फॉर्म भरा जाता है तो उसमें 1 मंथ से 1.5 मंथ तक जो है वो मिलता है, उसके बाद ही जो है वो परीक्षा होती है। यानी अगर देखा जाए तो सब इंजीनियर की पदों पर जो है वो नोटिफिकेशन आज जारी होता तो करीबन जो है वो अगस्त में पूरा अगस्त जो है वो रहता, सितंबर जो है इसका एग्जाम होता, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगस्त भी आने वाला, यानी इसका पेपर अगस्त में तो नहीं होने वाला है, आप समझ सकते। तो बाकी की परीक्षाएं जो देखोगे आप, जैसे कि ग्रुप 4 होगी सितंबर में है, जब ये परीक्षाएं शेड्यूल जारी रीशेड्यूल होगा, इनका रिवाइज चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इन सब पे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा और ये सभी की सभी परीक्षाएं जो है वो आगे बढ़ जाएंगी। जैसे कि पहले भी ग्रुप 4 की जो परीक्षा हुई थी उसमें मुझे जहाँ तक याद है फरवरी माह में शायद एग्जाम होना था, लेकिन उन्होंने जो है वो जुलाई माह में हज कराया था एग्जाम, अगर हम पिछली की बात करें तो, है ना, जुलाई में नहीं, जून में, ठीक है ना, जुलाई तो अभी चल रहा, तो ऐसा कुछ था, मुझे चेक टाइम नहीं, पर जो है वो उन्होंने आगे बढ़ा दिया था पेपर। और बाकी की जो परीक्षा होगी ITI हो गया, तो इसमें भी आपने देखा कि रिवाइज रिजल्ट जारी हुए थे और बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हुई थी जिसमें दोबारा से रिजल्ट जारी तक हुए थे और घपला देखने को मिला था। तो मध्य प्रदेश में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये परीक्षाएं जो है वो शेड्यूल जो दिया है, टाइम दिया है, उसी आधार पर होंगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसका जो है वो रिवाइज जो है वो शेड्यूल जारी होगा और उसके आधार पर जो है वो परीक्षाएं होंगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है वो ये मत समझिएगा कि इसी को तारीख को जो है वो पेपर होगा, आगे जो है वो इसकी बढ़ जाएगी, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।